हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं टमाटर आलू और परवल की बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट सी सब्ज़ी। बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि परवल आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएं, तो आज हम आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये चटपटी सी आलू टमाटर की सब्ज़ी और परवल की सब्ज़ी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बनाना। परवल की सब्ज़ी के लिए हमने आधा किलो यानी 500 ग्राम परवल लिया है और ये छोटे शेप वाली यानी छोटे साइज वाली परवल है। और इसके साथ ही हम आलू डालेंगे और आलू 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है और ये छोटे साइज की आलू है। और इसके साथ ही हम इसमें दो टमाटर डालने वाले हैं और ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन करके तैयार हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और हम अपने खाने के बाद ही आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी है, इसको आप ज़रूर से बनाइएगा। सबसे पहले हम आलू और परवल को फ्राई कर रहे हैं और तेल की क्वांटिटी अच्छी खासी यानी 1.5 कप के लगभग हमने इसमें तेल डाला है और इसी तेल में हम परवल आलू को फ्राई भी करेंगे और सब्ज़ी भी बनाएंगे। यानी बहुत कम तेल में ये सब्ज़ी बन करके तैयार हो रही है और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है। परवल को हम अच्छे से फ्राई करेंगे यानी परवल का कलर एकदम बेहतरीन सा जब चेंज हो जाएगा, एकदम ब्राउन सा क्रिस्पी सा हो जाएगा, तब जा करके हम इसको छान करके इसमें से अलग करेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, परवल का कच्चापन ख़त्म हो जाता है। और जो लोग को परवल खाना पसंद नहीं होता है, परवल कड़ा कड़ा होता है, खाना पसंद नहीं होता है, तो वो भी खाने लग जाएंगे अगर सब्ज़ी आप इस तरीके से बनाएंगे। और किसी भी ओकेज़न में कोई भी आपके यहाँ कोई भी इवेंट है, कोई भी त्यौहार है या फिर अगर आपके यहाँ कोई पार्टी है, तो अगर ये सब्ज़ी आप बना देंगे आलू परवल टमाटर की, तो हर कोई आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेगा। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट ये सब्ज़ी है। तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसको कलर दे दिए हैं हमने। अब इसको हम छान करके अलग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और बिल्कुल यही आपका कलर होना चाहिए। इसी स्टेज पे जा करके परवल को निकाल लेना है। इससे क्या होगा कि हमें सब्ज़ी में परवल को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगभग परवल यहाँ पर पक भी जाता है और फ्राई भी हो जाती है और इसका टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है। और ये देखिए कढ़ाई में कितना तेल बचा है। अब इसी तेल में हम आलू को भी फ्राई करेंगे और ये देखिए कितना अच्छा सा हमने परवल को फ्राई किया हुआ है। परवल का लुक बहुत बढ़िया है, ना ये बहुत ज़्यादा जला है और ना ही ये कच्चा है, एकदम परफेक्ट ये तैयार हुआ है। और बिल्कुल यही कलर यही चीज़ें आपको देनी है अपने परवल में, तो जाकर के आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। एक एक चीज़ को हम हमेशा सिखाते रहते हैं, हमेशा बताते रहते हैं कि एक एक चीज़ आप फॉलो करेंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनेगी। और अब इसी तेल में हम आलू को फ्राई कर देते हैं। और आलू को हमने एक छोटी छोटी आलू थी दो पार्ट में इसको कट किया हुआ है, बस बीच से कट किया है, ये आप देख सकते हैं। सब्ज़ी के कटिंग में भी ध्यान देना चाहिए, अगर कटिंग देखने में भी सब्ज़ी चीज़ें अच्छी लगती है तो खाने में तो वैसे ही स्वाद चला जाता है, और चीज़ें देखने में अच्छी लगती है तो हर कोई उसको खाना चाहता है। आलू को भी हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, हल्का सा क्रिस्पीपन हो जाएगा और फ्राई करने में आधा तो फ्राई करने में ही पक जाता है। और अब आलू को हम निकाल लेते हैं। आलू आप देख रहे हैं कि बिल्कुल लाल हो चुका है और ये पक भी चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। और हमारी कढ़ाई में जितनी तेल बची हुई है उसी तेल में हम मसाले को तैयार करेंगे और उसी तेल में हम सब्ज़ी बना करके एकदम टेस्टी से सब्ज़ी तैयार कर देंगे। और ये देखिए हमारा आलू फ्राई होकर के कुछ इस तरीके का हो गया है, बहुत ही अच्छा है। और ये बनाने के जब खाएंगे तो हर चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब उसी तेल में हम एक छोटी चम्मच पचफोरन और दो बारीक कटी हुई प्याज, प्याज को हम अच्छे से पहले तेल में भुनेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन कलर का कलर होने तक इसको भून लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें मसाले को ऐड करेंगे और ग्रेवी तैयार करेंगे, क्योंकि हम टमाटर की बनाने वाले हैं तो हम टमाटर भी इसमें स्टार्टिंग में ही डाल देंगे। लेकिन सबसे पहले हम
प्याज और मसाले को पकाएंगे, क्योंकि टमाटर डालने के बाद मसाले पकना बंद हो जाते हैं, क्योंकि टमाटर जो है वो खट्टा होता है और खट्टा चीज़ आप डाल दें। मसाले के लिए 3 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1 बड़ी चम्मच धनिया और 1 बड़ी साइज की अदरक, 1 बड़ी चम्मच जीरा, 1 बड़ी चम्मच गोल मिर्च और 1 काली इलायची। अब इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और ये हमारा मसाले का पेस्ट रेडी है और ये गया प्याज में, और प्याज का कलर आप देख रहे हैं अच्छे से एकदम बढ़िया सा इसका कलर आ गया है, और मसाले को हमने डाल दिया। मसाले को प्याज के साथ अच्छे से कुक करेंगे, पकाएंगे। और अगर आप पाउडर वाला मसाला घर में रखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि पीसने में झंझट होता है, तो आप पाउडर का मसाला पानी में घोल करके, ये सारे जितने भी मसाले हमने डाला है उसको पानी में घोल करके डालेंगे, फिर भी आपकी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। और अब हल्दी डालते हैं, हल्दी 2 छोटी चम्मच अपने सब्जी के अनुसार, स्वाद अनुसार। नमक, सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं हम, इसलिए हम पीसा हुआ सेंधा नमक ही खाते हैं, जैसे पीसे मसाले खाते हैं उसी प्रकार से। 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जो कि कलर और तीखापन दोनों ही देगा। हरी मिर्च हमने 3 डाला है, मिर्च बहुत तीखा वाला ये मिर्चा है, इसलिए हमने 3 ही पीसा हुआ है, और इसके बाद भी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा तीखा हो गया था, और ये तीखी वाली हरी मिर्च है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिला करके इसको बढ़िया से कुक कर लेते हैं, मसाले को प्याज के साथ में मीडियम और लो फ्लेम करके। और अगर आप दूसरी कढ़ाई में बना रहे हैं तो दूसरी कढ़ाई में चिपकने भी लगता है इस स्टेज पे मसाला डालने के बाद, तो आप हल्का हल्का पानी डाल करके भून सकते हैं मसाले को। और अब मसाले हमारे भून चुके हैं, तो हम 2 टमाटर जो हमने रखा हुआ था उसको डाल दे रहे हैं, और क्योंकि मसाले हमारे पक चुके हैं इसलिए हमने टमाटर डाला है। टमाटर की ग्रेवी बनानी है, यानी टमाटर को हम अच्छे से सॉफ्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम अच्छे से पहले मसाले के साथ में प्याज के साथ में मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसको 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम करके ढक देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और अब ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हमें ढकना नहीं है, अब हम इसको इस तरीके से प्रेस कर करके बर्तन की सहायता से, स्पैचुला की सहायता से, जिस चीज़ से आप चला रहे हैं, छुलनी, कलछल, जो भी छनौटा जो भी यूज़ कर रहे हैं, उससे अच्छे जैसे चाट बनाते हैं ना, उसी तरीके जैसे ठेले वाले चाट बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इस तरीके से मसल मसल के, टमाटर सॉफ्ट हो ही चुका है, बस इसको एकदम चोखा की तरह कर देना है, यानी चटनी की तरह कह सकते हैं आप, चटनी की तरह कर देना है ताकि ग्रेवी बहुत ही अच्छा सा आए। कोई भी टमाटर प्याज कुछ भी खड़ा खड़ा नहीं दिखेगा हमारी सब्जी में, अगर इस तरीके से बनाते हैं तो कोई कह ही नहीं सकता कि आप रस्ते में आपने क्या क्या डाला है। और अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो अब इस स्टेज पे हम पानी को ऐड कर लेते हैं। सब्जी में आप जितना रस्सापन देना चाहें उस हिसाब से आप पानी को ऐड कर दीजिए, क्योंकि अभी हम आलू और परवल को डाल के थोड़ा सा गाढ़ा भी करने वाले हैं, तो इसलिए पानी की आवश्यकता थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी। तो लगभग हम यहाँ पे 2 ग्लास पानी को ऐड कर रहे हैं, जिस ग्लास से हम पानी पीते हैं, स्टील वाली जो ग्लास होती है उसी ग्लास से 2 ग्लास पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से पहले पूरे मसाले को मिला लेते हैं पानी में घुल जाए, और अब फ्राई किया हुआ आलू ऐड कर लेते हैं। ये सारे आलू गए, आप देख सकते हैं मसाले कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, और उतना ही ज़्यादा ये खाने में भी स्वादिष्ट होता है सब्जी। और अब फ्राई किया हुआ परवल, ये देखिए जितना सुंदर परवल दिख रहा है मसाले में जाने के बाद, उतना ही इसकी खूबसूरती और इसका स्वाद दोनों ही बढ़ जाएगा।
और अगर आप सब्जी को थोड़ा ज़्यादा रसापन देना चाहते हैं तो हल्का सा रस्सा इसमें छोड़ दीजिएगा ढक के खोल के, लेकिन एक बार ढकना ज़रूर है। ढकने से मसाले को सोखता है पूरी सब्जियाँ, जो भी परवल है आलू है, और मसाले हल्का फुल्का अगर बच गए हैं पकना तो पक जाते हैं, आलू परवल अगर हल्का सा पकना हो तो वो भी पक जाएगा। 2 मिनट तक इसको हम मीडियम फ्लेम में ढक करके छोड़ देंगे ताकि जो बची बची चीज़ें अगर पकने वाली होगी तो पक जाएगी। और ये आप देख सकते हैं खोलने के बाद मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से खुशबूदार हो चुके थे और रस्सा भी लगभग सूख चुका है। अगर आप रस्सेदार खाना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप गैस को ऑफ़ कर दीजिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको और गाढ़ा करना चाहते हैं, क्योंकि गाढ़ा से जो उसकी ग्रेवी होती है ना वो बिल्कुल आलू और परवल में एकदम लिपट सी जाती है जो कि बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। और लीजिए खुशबूदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी हमारी आलू परवल टमाटर की सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। देख करके फिर से मुंह में पानी सा आ रहा है और टेस्ट याद आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और पसंद आए तो उसको लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों जिनको भी सब्ज़ी बनानी नहीं आती है या फिर खाना चाहते हैं इस तरह की सब्ज़ी, तो उनको शेयर कर दीजिएगा।